भाजपा ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। ऐसे के अंदर पूर्व सांसद आनंद कुमार सिंह चौहान के बेटे भी उतर चुके हैं और ऐसे में आज भारी समर्थन देखने को मिला। हमारे साथ में सांसद जी है, सर क्या कुछ देखते हैं अभी शुरू में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं और उम्मीदवारी की इच्छा रखना सभी कार्यकर्ताओं का एक अधिकार भी है और उम्मीदवारी करना कोई गलत भी नहीं है। लेकिन जब पार्टी ने निर्णय कर लिया है तो उसके बाद में मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उस कार्य आदेश को, निर्देश को, पार्टी जो निर्देश देती है उसको स्वीकार करते हैं और सब लगकर उम्मीदवार को जिताने में पूरा अपनी तरह से जी जान से मेहनत करके प्रयास जीता। आप मनाने की कोशिश करेंगे उन लोगों को? बिल्कुल, जो भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है यदि उसकी इच्छा है कि कोई नाराज होगा तो बिल्कुल जाएंगे और जाकर उनको मनाएंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी कोई कार्यकर्ता नाराज हो ही नहीं सकता। क्या लगता है इस बार भाजपा सेन मारेगी बुरहानपुर में? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी चाहे नेपानगर विधानसभा हो चाहे बुरहानपुर की विधानसभा हो, इस बार भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक वोटों के साथ जीत दर्ज करेगी। जो जनता ने पिछली बार थोड़ी बहुत भी जो चूक हुई होगी, हो सकता है हमारे प्रत्याशियों से, उम्मीदवारों से चूक हुई हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो आज हमारी सरकार ने, चाहे शिवराज जी की सरकार हो चाहे मोदी जी की सरकार हो, जो गरीबों के कल्याण के काम पिछले 5 वर्षों में किए हैं, तो जनता जानती है कि हमारा कौन भला कर सकता है, हमारे पर किसने चिंता करके हमारी चिंता करी है। तो इसलिए पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के दोनों उम्मीदवार हमारे यहाँ से बहुत कार्यकर्ताओं को क्या मूल मंत्र देने चाहिए? कार्यकर्ताओं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और जो कार्यकर्ता काम करेगा ईमानदारी से, निष्ठा से और संयम रखता है, वो कार्यकर्ता के रूप में आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। मैं 1998 से लगातार टिकट मांगते रहा। 2000 में पार्टी ने मुझे जिला पंचायत का अध्यक्ष बनाया, 2003 में टिकट मांगा नहीं मिला, फिर 2005 के अंदर मेरी पत्नी को जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया, 8 में मांगा नहीं मिला, 13 में फिर मांगा ही नहीं, 18 के अंदर फिर मांगा नहीं मिला, और उसके बाद में जो है पार्टी को लगा कि भाई ये इतना साल से लगा है तो मेरे जो सांसद के रूप में आज आपके सामने हूँ। तो ये पार्टी कार्यकर्ता की चिंता करती है, लेकिन हमको संयम रखना पड़ेगा, हमको पार्टी के आदेशों का पालन करते हुए पार्टी का कार्य करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए सांसद जी। तो सांसद जी से हमने बात की, क्या कुछ कहा है हमने दिखाया। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे बी एन सी के साथ। अपने कैमरा सहयोगी अनस के साथ मैं दानिश अदा खान, बी एन सी मीडिया, बुरहानपुर।